क्या आप जानते हैं पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाली वधू कौन थी? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। सुनिए, हिडिंबा पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाली वधू बनी थी। जी हाँ, इसकी पूरी कहानी क्या है अब सुनिए। लाक्षागृह यानी कि लाह के बने घर को जब दुर्योधन और मामा शकुनी की योजना के अनुसार जलाया गया, तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती समेत उसी भवन में थे। इन सभी की हत्या करने के लिए ऐसा किया गया था और अपनी सामर्थ्य और दैविक कृपा से वो वहां से बच निकले और भेष बदलकर रहने लगे और वे एक जंगल में पहुंच गए। रात अंधेरी थी और जंगल घना था। जमीन पर बड़े बड़े झाड़ उगे थे जिसके कारण चलना मुश्किल हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से उन सभी को ले जाने का अनुरोध किया। भीम ने अपने शक्ति का परिचय देते हुए अपनी माता सहित अपने चारों भाइयों को उठाकर चलना प्रारंभ किया। जब वे वन में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां धरती समतल और कोमल घासों से ढकी थी, तब वहां भीम ने सबको धरती पर उतारा और सब भाइयों ने मिलकर सोने के लिए व्यवस्था की। पांचों भाई बारी बारी जग कर अपने सोते हुए परिवार की रक्षा करते थे। इस बार भीम की बारी थी। वह जंगल अपने वृक्ष चट्टानों सहित काली शक्तियों के प्रभाव के कारण मायावी था और एक शक्तिशाली और मायावी राक्षस हिडिंब का राज्य था। जंगल में आने वाला कोई भी मानव इस मायावी स्थान से निकल नहीं पाता था, बल्कि राक्षसों का आहार बन जाता था। इन राक्षसों की सूंघने की शक्ति बड़ी तेज थी। जंगल में मानव के प्रवेश को तुरंत ये भांप लेते थे। जब राक्षस राज हिडिंब को इन मनुष्यों के आने का पता चला, तो वह मानव मांस खाने के लिए लालायित हो उठा। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन मनुष्यों को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिडिंबा पांडवों के समीप जा पहुंची। भीम को देख हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। वे सोचने लगी, एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है कि अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है? मैं धन्य हूँ यदि वह मेरे पति बने। फिर उसे अपने क्रूर भाई की आज्ञा का स्मरण हुआ। देवी हिडिंबा ने अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास गई। पहले जंगल में भटकी हुई युवती की भांति अनेक प्रकार की बातें कही। फिर जब भीम ने उन्हें रक्षण देने की बात कही, तब वो वहीं पर बैठ गईं। हालांकि आराम कर रहे अर्जुन और युधिष्ठिर को देवी हिडिंबा पर धीरे धीरे संदेह भी होने लगा था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोए रहने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है इस पर चुपचाप ध्यान दे रहे थे। इधर देवी हिडिंबा से भी यह सच छुप नहीं रहा था। तब हिडिंबा ने भीम को बता दिया कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिंब ने आप सभी को भ्रमित कर उस तक पहुंचने के लिए प्रतिनियुक्त किया है, लेकिन आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता देती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही पराक्रमी, मायावी और क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलिए। भीम ने उत्तर देते हुए कहा, देवी मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। मैं किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे इनकी निद्रा भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से उन महान मनुष्य को देखिए, वे धर्मराज मेरे बड़े भाई हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अभी किस प्रकार विवाह कर सकता हूँ? चर्चा चल ही रही थी कि राक्षस राज हिडिंब वहाँ पहुँच गया और अपनी बहन को ऐसे विभूषित देख वह क्रोध से भर गया। अपनी बहन
और सभी पांडवों को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देख देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर ले भागने को कहा। लेकिन वह कह भी किससे रही थी, महाबली भीम से, जिन्हें राक्षसों और जानवरों से लड़ना पसंद था। भीम ने हिडिंबा से कहा, यह याचना अनुचित है। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं, ना ही ऐसे राक्षस की उद्दंडता के लिए अपने परिवार की निद्रा भंग करूंगा। युधिष्ठिर और अर्जुन सतर्क हो सब सुन रहे थे, लेकिन सोए हुए मनुष्य की तरह स्थिर थे। भीम ने क्षण भर में हिडिंब को पकड़कर घसीटते हुए दूर स्थान पर ले गए। यह देख युधिष्ठिर और अर्जुन उठने का स्वांग करने लगे। उन्हें जागता देख हिडिंबा ने विनम्रता से पांडवों को सब बताया। बाकी सब हिडिंबा की बात सुन रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन का पूरा ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अति शीघ्र कीजिए। यह सुन भीम ने घातक प्रहार से हिडिंब की पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिडिंब का वध होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक बैठ गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ, तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और प्रभु आप तो राक्षस राज हिडिंब से भी अत्यधिक शक्तिशाली हैं। यह सुनकर भीम ने कहा, लेकिन मैं आपका राजा नहीं बन सकता। तब फिर से हाथ जोड़कर उनके मंत्री ने कहा, राजन ऐसा ना कहें, बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने के लिए समय मांगा। तभी वहां देवी हिडिंबा आकर पांडु पुत्र भीम से कहती है, हे राजन, कृपा करके मेरे प्रेम को स्वीकार करें, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दें। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ, मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिल पाएगा। तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, बल्कि आपके स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बन मुझसे विवाह कर एक वर्ष तक मेरे साथ रहें। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावी जाति हैं। मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा तो आप ही समझ सकती हैं। मुझे अपनी पुत्र वधु स्वीकार कर लीजिए माता। एक ही वर्ष की तो बात है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा, पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही हैं। मुझे विचार करने का समय दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करके जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार किया और देवी हिडिंबा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। आप सब जानते होंगे, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक घटोत्कच बर्बरिक यानी खाटू श्याम, अंजन पर्व और मेघवर्ण नाम के तीन पुत्रों के पिता थे। इनमें बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच और अपने अन्य दो भाइयों से भी ज्यादा मायावी थे। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए
और अपने पिता भीम, अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी वह केवल स्मरण मात्र से वहां उपस्थित हो जाएंगे। देवी हिडिंबा ने भी अपने वचन अनुसार अपने पति भीम, उनके भाइयों और उनकी माता देवी कुंती को विदा किया। तो इस प्रकार पांडव कुल की सबसे पहले वधू बनने वाली कौन थी, आप सबको आज पता चल गया, हिडिंबा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सबको मेरा जय जय श्री राम।